एक कैंडिडेट ने रिसेंटली में मुझसे बात की और मुझे बोला कि सर मैं जॉब सर्च कर रहा हूँ, मैं बहुत सारे जॉब एप्लीकेशंस भी सेंड कर रहा हूँ थ्रू ईमेल वगैरह, बट मुझे कंपनीज के रिक्रूटर्स के रिप्लाई ही नहीं आ रहे। तो मैंने सोचा ऐसा क्यों है, तो मैंने उनको बोला कि दो तीन ईमेल आप मुझे फॉरवर्ड करिए जो आपने एप्लीकेशन के लिए सेंड करे हैं। जब मैंने वो ईमेल देखे तो मैं काफी सरप्राइज हो गया, क्योंकि जो ईमेल भेजने का जो उन्होंने पैटर्न फॉलो किया वो एक प्रोफेशनल पैटर्न फॉलो ही नहीं किया, इसलिए उन्हें शायद ईमेल पे रिप्लाई नहीं आ रहे। तो मैंने सोचा आज के सेशन में हम इसी टॉपिक पे बात करते हैं, क्योंकि आप में से भी बहुत से लोग हैं जो जॉब के लिए ईमेल्स तो सेंड कर रहे हैं लेकिन शायद हो सकता है आपको रिप्लाई नहीं आ रहा। तो सर हम कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, इसी को आज के सेशन में हम 5 स्टेप में समझेंगे। अब यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं आपको क्लियर करूं कि जो भी चीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपको स्ट्रेट वो चीज कॉपी पेस्ट करके अप्लाई नहीं करना है, आप उसको एक रेफरेंस की तरह कंसीडर करिए और उसमें आपके कुछ पर्सनल चीजें ऐड करके फिर आप वो चीजें जो है यूज कर सकते हैं। ठीक है, करेक्ट है, तो आपको स्ट्रेट कॉपी पेस्ट नहीं करना है। तो पहली चीज जो आपको ध्यान में रखना है जब भी आप जॉब एप्लीकेशन के लिए ईमेल करें वो है सब्जेक्ट लाइन। अब होता क्या है, जो सब्जेक्ट लाइन जो हम चूज करते हैं वो हम वही सब्जेक्ट लाइन चूज करते हैं जो बाकी लोगों ने चूज किया होगा, नहीं, आपको एक डिफरेंट सब्जेक्ट लाइन चूज करना है। आपको सोचना है कि क्या सब्जेक्ट लाइन हो सकता है जिससे कि जो रिक्रूटर है वो मेरा ईमेल एक्सेस करे, क्योंकि जो रिक्रूटर होता है उसको आपके जैसे हजारों मेल उसको रिसीव होता है, तो वो आपका ही ईमेल क्यों चूज करेगा, आपका ही ईमेल क्यों एक्सेस करेगा। तो एक सब्जेक्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सब्जेक्ट लाइन जो होना चाहिए वो शॉर्ट, स्पेसिफिक एंड प्रोफेशनल होना चाहिए, जिससे कि सामने वाला पर्सन पे एक स्ट्रेट इंपैक्ट हो। अब एग्जांपल के तौर पे अगर हम डिस्कस करें तो यूजुअली जो लोग सब्जेक्ट लाइन यूज करते हैं वो करते हैं जॉब एप्लीकेशन, उससे काम नहीं बनेगा। बहुत से लोग जॉब एप्लीकेशन वर्ड यूज करते हैं, आप यूज कर सकते हैं एक बेटर वन जो अलग यूज किया जा सकता है, अप्लाइंग फॉर पोजिशन मेंशन करें, आगे आपका नाम मेंशन कर सकते हो और आप एक्सपीरियंस भी मेंशन कर सकते हो, जिससे कि क्या होगा जो सामने वाला रिक्रूटर है उसको स्पेसिफिकली सब्जेक्ट लाइन में ही पता चलेगा कि हाँ ये एक्सपीरियंस वाला पर्सन जो है बेसिकली हमें रिक्वायर्ड है, तो वो डायरेक्टली आपका ईमेल एक्सेस करे। तो सब्जेक्ट लाइन जो है वो आपको काफी वाइसली यूज करना है। अब यहाँ पे दूसरा जो चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है वो है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन मतलब आप ईमेल स्टार्ट कैसे करते हैं, कुछ लोग हाय हेलो ऐसे नहीं चलता प्रोफेशनल ईमेल। आपको प्रॉपरली अगर वो पर्सन का नाम पता है तो आप नाम लिखिए डियर नाम, या आप उनको रिस्पेक्ट दे सकते हैं डियर सर अगर आपको पता है जेंडर क्या है, डियर मैडम, बहुत से लोग डियर सर और मैडम, अगर आपको पता है स्पेसिफिकली कि पर्सन कौन है तो आप सर और मैडम क्यों यूज कर रहे हैं, ये भी बहुत इंपैक्टफुल होता है। अब तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है वो है पर्पस ऑफ द ईमेल। आप ईमेल लिख क्यों रहे हैं, जो पर्पस है ना एकदम क्लियर होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए। कुछ लोग लिखते हैं प्लीज फाइंड माई अटैच सीवी, कि वो सीवी एक्सेस करेंगे, पीएफए, कुछ लोग पीएफए लिख देते हैं, कुछ लोग वर्ड यूज करते हैं जॉब एप्लीकेशन। आपको प्रॉपरली एक दो लाइन में आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए, बहुत लेंथी भी नहीं होना चाहिए। एग्जांपल के तौर पे आप यूज कर सकते हो आई सॉ दिस जॉब एप्लीकेशन ऑन दिस पोर्टल, आई थिंक आई कैन बी द सुटेबल कैंडिडेट फॉर दिस पोजीशन, सो इट इज माई एप्लीकेशन फॉर योर जॉब, तो प्लीज फाइंड माई अटैच सीवी, सिंपल है। और जो चौथी चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है वो ये ध्यान में रखना है कि आपको उस ईमेल से क्या एक्सपेक्टेशन है, आपको क्या बेसिकली आप चाहते हो वहां पे, तो वो भी आप स्ट्रेट मेंशन कर सकते हो। आप मेंशन कर सकते हो आई एम होपिंग योर रिप्लाई बाय टुमारो या एज सून एज पॉसिबल, ये आप मेंशन कर सकते हो, क्योंकि अगर आप ये मेंशन नहीं करेंगे तो आप रिक्रूटर को ऐसे लगेगा कि इन्होंने खाली सीवी भेजा हुआ है, अगर हम रिप्लाई नहीं भी करेंगे तो ठीक है। तो स्पेसिफिकली मेंशन करिए कि आई एम होपिंग योर रिप्लाई, कुछ कोई भी एक बेटर सेंटेंस आप यूज कर सकते हो, इंप्रेसिव। और पांचवी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है, जो बहुत से लोग यहाँ पे गलती कर जाते हैं, मिस्टेक कर जाते हैं, कि फॉलोअप्स में आपने एक बार ईमेल भेज दिया, सर कहीं आपका ही ईमेल उनको रिसीव हुआ है क्या, बिल्कुल नहीं, आप जैसे और भी सैकड़ों लोगों का ईमेल उनको रिसीव हुआ, क्या प्रैक्टिकल पॉसिबल है वो रिक्रूटर सभी ईमेल एक्सेस करेगा, बिल्कुल नहीं। हो सकता है रिक्रूटर आपकी ईमेल को एक्सेस नहीं कर पाया हो, उनका ध्यान नहीं गया हो, तो फॉलोअप्स के लिए पूछ सकते हैं। आप फॉलोअप में लिख सकते हैं प्लीज लेट मी नो योर रिस्पॉन्स वेदर आई एम सुटेबल फॉर दिस पोजिशन, आप ऐसे पूछ सकते हैं एक प्लीज की तरह। तो आई होप आपको क्लियरिटी आई होगी कि आपको जॉब एप्लीकेशन में क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। फिर भी कुछ नहीं समझाओ, कुछ पूछना हो ना, कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। थैंक यू सो मच।